अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं रियाज इलेक्ट्रिक स्किल्स। दोस्तों आज मैं एक आपको नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ये है ओवरलोड रिले। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे और इसके पर्पज़ के बारे में बताएंगे। इसका पर्पज़ ये होता है कि मोटर के साथ ये लगती है, ओवरलोड होने की सूरत में इसको ट्रिप करवाती है। अच्छा, ये आपका है डी टाइम, सेकेंड्स में होता है ये, इसके कहते हैं डिले टाइम। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं मोटर की, कितनी मोटर है, बड़ी मोटर है तो इसमें ये हम इसको रनिंग के उसके ऊपर हम इसका जो है टाइम वो सेट करते हैं। उसके बाद ये हमारी नाव जो आपको नज़र आ रही है, ये होती है लोड। 70 एम्पीयर तक इसका आप लोड सेट कर सकते हैं। ये है, उसके बाद ये नाव है, 10 सेकंड तक इसका टाइम है। ओ टाइम ये भी सेकंड्स में है। ऑपरेटिंग टाइम, जैसे भी आप मोटर को स्टार्ट करेंगे उसका टार्क लोड होगा, तो उस टार्क लोड का जो दौरानिया होगा वो हम ओ टाइम पे सेट करेंगे। अदरवाइज ये जो हमारा लोड है, लोड को हम कैसे सेट करेंगे, आप एक दफ़ा मोटर को रन करेंगे, जैसे मोटर रन हो जाएगी तो हम इस नाब को, जैसे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे पहले इसकी एम्पीयर को ज़्यादा कर देंगे, उसके बाद जब मोटर, जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे, मोटर स्टार्ट करके हम इसका जो ये एम्पीयर है फुल कर देंगे, मोटर स्टार्ट हो जाएगी, उसका ऑपरेटिंग टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो अपने लोड पे बराबर उसका लोड हो जाएगा, तो फिर हम इसको वापस ले के आएंगे। जैसे हम इसको वापस ले के आएंगे तो ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी, ये जो रेड कलर की लाइट है ब्लिंक करना शुरू कर देगी। जैसे ये ब्लिंक करती है थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के छोड़ देंगे, ये लाइट बंद हो जाएगी, ये लोड के साथ इसकी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मोटर ज़्यादा लोड लेती है तो इसका मतलब है मोटर में फॉल्ट है, उसके बाद ये उसको ट्रिप कर देगा, मोटर को जलने से बचाएगा। इसके बाद दोस्तों ये इसके कनेक्शन है, कनेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आप इसकी डायग्राम को देखें, पहले तो आपको डायग्राम से ही समझ आ जाएगा, ठीक है। L1 L2 ये इसके कनेक्शन है, उसके बाद ये कंट्रोल है। 95 में इसका लूप मारेंगे, 96 में से तार, ये 98 में से तार लेके हम आगे फर्दर मैग्नेट कनेक्टर को देंगे। लोड इसका जो है वो यहाँ से मैयर होगा, क्योंकि जो लोड वाली तारें होंगी वो यहाँ से गुजर के जाएंगी, तो ये इसके लोड को मैयर कर लेगा और इसके मुताबिक इसको ट्रिप करवा दे। दोस्तों ये हमारी वीडियो ओवरलोड रिले के ऊपर है, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।